So here the given question says, find the unit vector in the direction of vector PQ, where P and Q have coordinates. So हमें यहाँ पर इनके coordinates दिए गए हैं, which are 5, 0, 8, and Q के coordinate है 3, 3, 2 respectively. तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है. तो सबसे पहले P के coordinates में दिए हैं 5, 0, 8. क्यू के लिए हमें दिया है 3, 3, 2. तो देयरफॉर पी क्यू वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, ओ क्यू एक सेंटर पॉइंट लेकर के माइनस ओ पी, लाइक ये हो गया आपका वेक्टर पी और ये हो गया क्यू. तो सेंटर पॉइंट हम ले लिया क्यू ओ, सॉरी. अब इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ओ क्यू के लिए हम लिख सकते हैं जब हम इन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली जो हमें दी गई है क्वेश्चन को सेट करते हैं, तो हमारे पास आता है 3i हैट प्लस 3j हैट माइनस 3k हैट माइनस 5i हैट, एंड यहाँ पर कोऑर्डिनेट 0 है पी का, तो माइनस आई एम सॉरी प्लस 0j हैट प्लस 8k हैट. हमने सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं कोऑर्डिनेट्स के. अब जब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आती है -2i हैट प्लस 3j हैट माइनस 6k हैट. तो ये तो हमारी वैल्यू हमें मिलगी वेक्टर पी क्यू की. अब नेक्स्ट हम निकालते हैं यूनिट वेक्टर. देयरफॉर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, दिस विल बी रिटन एज पी क्यू डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पी क्यू. सो हियर ऊपर तो हमारी सेम वैल्यू आ जाएगी जो हमने वेक्टर पी क्यू की निकाली है, -3j हैट प्लस -6k हैट, एंड डिवाइडेड बाय अब इनके कोएफिशिएंट्स हमारे स्क्वेयर रूट के अंदर विद द स्क्वेयर. सो पहला हो गया 2 का स्क्वेयर, नेक्स्ट हो गया 3 का स्क्वेयर, देन वी विल हैव 6 का स्क्वेयर. तो न्यूमरेटर की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, i हैट प्लस 3j हैट माइनस 6k हैट. डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल जाता है, 4 प्लस 9 प्लस 36. तो जो हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे सो हमें मिलता है यहाँ पर डिवाइडेड बाय -2i हैट प्लस 3j हैट माइनस 6k हैट डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ 49. 49 स्क्वेयर रूट होता है 7 का, तो हम इसको और भी सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, +3j हैट माइनस 6k हैट, एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगी 7. सो ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर पी क्यू यूनिट वेक्टर की वैल्यू का. सो हियर वी हैव आवर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन.